करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के छठे फ्लोर से आइसोलेटेड वार्ड की खिड़की से कोरोना संदिग्ध मरीज भागने की कोशिश की। आपको बता दें कि खिड़की से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। मृतक शिवचरण पानीपत के घड़ी नूरपुर गांव का रहने वाला था और उसे इलाज के लिए 1 अप्रैल को कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की आइसोलेट वार्ड में भर्ती किया गया था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सुबह 3:30 बजे करीब आइसोलेशन वार्ड में था, वहाँ से नीचे रस्सी बांध के भागने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर रस्सी छूट गई और नीचे गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई जी। आइसोलेशन वार्ड में था, ये कोरोना पेशेंट था परंतु अभी नेगेटिव रिपोर्ट आई है इसकी, ऐसा कुछ नहीं था सर। लेकिन घबराया हुआ था सर? घबराया हुआ था इसीलिए ऊपर से कूद गए। कहाँ का रहने वाला सर? ये पानीपत के पास का गाँव है। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी जी? जो भी चित कार्रवाई हो की जाएगी। रिपोर्ट आ गई है, नेगेटिव है। रिपोर्ट डॉक्टरों के मुताबिक तो वहाँ से फोन किया है, उन्होंने बताया कि इसकी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो ऐसे तो पेशेंट से उनके परिवार वालों से क्या अपील करेंगे? उनके परिवार वालों से यही अपील है कि अपना एक तो उनसे दूर रहें थोड़ा, और गांव में भी अपना शांतिप्रिय बनाए रखें, और जो अपना कार्रवाई है उनकी